हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर Amazon वर्चुअल असिस्टेंट फ्री सर्टिफिकेट की एक अलग सीरीज करवा रही हूँ। अब तक हमने टोटल 8 लेक्चर्स कवर किए हैं इस सीरीज के अंदर, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इस सीरीज का अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताती हूँ। आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट के अंदर आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जो कि होगा वेबसाइट articlebase.pk का लिंक। आप जब उस लिंक को ओपन अप करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन अप होगा। इसे स्क्रोल डाउन कीजिए और करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के नाम से एक अदद पोस्टेड नजर आएगा। अब इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं और सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि सर्टिफिकेट के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई आउट करना है। कहता है, राइट योर ओरिजिनल नेम ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम इन एमएस वर्ड फाइल। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। टास्क 1 and 2 आर रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट। टास्क 3 आंसर्स आर रिक्वायर्ड बट नॉट मोर देन 3 लाइंस। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि आपने इस सर्टिफिकेट के लिए एक अदद एमएस वर्ड की फाइल बनानी है। एमएस वर्ड की फाइल आपको बनानी है और उसके टॉप के ऊपर आपने इस तरीके से नेम का कॉलम बनाकर उसके आगे अपना नाम लिखना है। आप यहाँ पर वो नाम लिखेंगे जो आपका ओरिजिनल नेम है और जो नाम आप अपने सर्टिफिकेट के पर लिखवाना चाहते हैं, तो आपने वो नाम यहाँ पर सबसे टॉप पर लिखना है। देन आपको कहा गया है कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टास्क नंबर 1, 2 के अंदर आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं, जिसे हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे, और बाकी के टास्क के अंदर आपने डिस्क्रिप्टेड आंसर्स को प्रोवाइड करना है। सबसे पहले सबमिशन की बात कर लेते हैं। इस चीज को काफी इंपॉर्टेंटली समझिएगा कि आपने इस फाइल को सबमिट कैसे कराना है। यू हैव टू सबमिट द एमएस वर्ड फाइल ऑन थर्सडे 30 सितंबर 2021। आप जो एमएस वर्ड की फाइल बनाओगे सर्टिफिकेट के लिए, उसे आप 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हो आराम से। देन आपको 30 सितंबर दोपहर 4 बजे तक इस फाइल को जमा कराना है। आपके पास 4 दिन है, आप आसानी से इस फाइल को जमा करवा सकते हैं। और आपने इस फाइल को जमा कहाँ करवाना है, इस ईमेल एड्रेस पे, जो कि है certificationcourses94@gmail.com। आप जब अपनी एमएस वर्ड की फाइल बना लोगे तो उसे सेव करने के बाद आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड करनी है। मुझे जिसकी भी फाइल इस ईमेल एड्रेस के ऊपर रिसीव होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड आउट करूंगी। आप मुझे इस फाइल को फेसबुक के ऊपर नहीं सेंड कर सकते और ना ही आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, आइदर ट्विटर और आइदर इंस्टाग्राम, मुझे इस फाइल को सेंड करोगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने के लिए मुझे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर इस फाइल को सबमिट करवाना है। तो आपको बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि आपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर परफॉर्म करना है टास्क, और परफॉर्म करने के बाद इसे ईमेल के ऊपर सबमिट करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो टास्क क्या है और आपको किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है। टास्क 1 के अंदर कहता है, ओपन दिस लिंक। आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, आपने इस लिंक को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस इस लिंक का आपके पास ओपन होगा। साइन अप ऑन द वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना है। ये आइट्रॉनिक सॉल्यूशन की वेबसाइट है। साइन अप करने के लिए आपको आपका पूरा नाम, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके साइन अप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पर साइन अप हो जाएगा, राइट।
देन क्या कहता है, इनरोल योर सेल्फ इन द कोर्स. यहाँ पर आपको गेट इनरोल का बटन नजर आ रहा है, तो आपने इस गेट इनरोल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना. आप जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, देन इट सेज वॉच आंसर फ्रॉम दिस वीडियो एंड परफॉर्म दिस क्विज. आपको यहाँ पर ये लिंक प्रोवाइड किया गया, आपने इससे भी ओपन अप कर लेना है. कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये लिंक ओपन अप हो जाएगा. इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है. इस वीडियो के अंदर इस वाले सर्टिफिकेशन कोर्सेज के आंसर्स बताए गए हैं, तो इस वीडियो को देखते हुए आपने इस सर्टिफिकेशन को परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के बाद आपने प्रोवाइड करना है स्क्रीनशॉट अपने सर्टिफिकेट का. एट द एंड इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है. लेआउट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है अब अपग्रेड हो गए हैं सर्टिफिकेट. आंसर सेम रहेंगे आपके पास, बस तो सर्टिफिकेट का लुक चेंज हो जाएगा. तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है. स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कोई भी जो है टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से आपने पेस्ट कर देना है. यहाँ पर आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. अब हम आते हैं अपने टास्क नंबर 2 की तरफ. टास्क नंबर 2 में कहता है ओपन वेबसाइट amazon.in. आपको amazon.in की वेबसाइट ओपन करनी है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है. सेलेक्ट एनी वन कैटेगरी फ्रॉम द फॉलोइंग. आपके पास 4 कैटेगरी है, पेट सप्लाईज, ज्वेलरी, होम एंड किचन, ब्यूटी. इन चारों में से आपको कोई सी एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, और कैटेगरी को इस तरीके से सेलेक्ट कर यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे. जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी. देन कहता है फाइंड द आइटम इन अबव सिलेक्टेड क्राइटेरिया. अब आपको एक आइटम चूज करना है, लेकिन उसको चूज करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है. आपने ऐसा आइटम चूज करना है जिसकी मिनिमम प्राइस 45 रुपीज हो, या फिर मैक्सिमम प्राइस 785 हो. यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज करना है जो कि 45 रुपए से लेकर 785 रुपीज के बीच में हो. जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट चूज करके रखा है, आप देखो 239 रुपीज का ये प्रोडक्ट है, अवाओ का एलोवेरा जेल. तो इस तरीके से आपने कोई सा भी एक प्रोडक्ट उन 4 कैटेगरीज में से चूज कर लेना है. 4 कैटेगरीज इसलिए दी है ताकि आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी रहे. इसके बाद क्या कहता है, रेटिंग 2 एंड अप लास्ट 90 डेज. अब जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करोगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखना, आपको इस तरीके से एवरेज कस्टमर रिव्यू नजर आ रहा होगा. इसमें से सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ताकि प्रोडक्ट सॉर्ट आउट हो जाए. इसके बाद आप हल्का सा नीचे की तरफ आओ, तो यहाँ पे देखो भी न्यू अराइवल्स के ऊपर है ये. अब आप यहाँ से लास्ट 90 डेज के ऊपर क्लिक कर दो. जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, तो प्रोडक्ट और शॉर्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स में से आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेना है जो कि 45 रुपए से लेके 785 रुपीज के दरमियान हो. जिस तरीके से ये 499 का प्रोडक्ट है, 389 का, 284 का, इस तरीके से आपने कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लेना है, और उस प्रोडक्ट का आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है. जिस तरीके से ये प्रोडक्ट था मेरा, राइट, इसका भी मैं क्या करती हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आपके सामने. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और टास्क 2 के अंदर इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ताकि मुझे पता हो कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया. अगर आप चाहो तो आप इसका लिंक भी यहाँ से ऊपर की तरफ से कॉपी कर प्रोवाइड कर सकते हो, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. अब यहाँ पर आपका टास्क 2 खत्म हो जाएगा. अब टास्क 3 की बात करते हैं. टास्क 3 के लिए आपने क्या करना है, ओपन करना है एमेजोन कीवर्ड एक्सटेंशन को. एमेजोन कीवर्ड एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, ओपन करने के लिए आपने उसे ओपन करना है. प्रोवाइड करने हैं आपने 3 कीवर्ड जिनका रैंक आ रहा हो नंबर 2 पे. अब आप ये 3 कीवर्ड किस तरीके से ढूंढोगे, यहाँ पे देखो वाव के आगे लिखा है एलोवेरा,
मल्टीपर्पज ब्यूटी, तो यहाँ से एलोवेरा इसका कीवर्ड है, आपने इसको कॉपी करा, कॉपी कर कर यहाँ पर इंटर कीवर्ड कर दिया, एमेजोन मार्केट प्लेस चूज कर लिया और जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर आपने ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं तीन जिनका रैंक सेकंड नंबर के ऊपर आ रहा हो, और उन तीन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर जो है वो टाइप कर देना है। यहाँ पर आपका तीसरा जो टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट टास्क की तरफ। काफी आसान सा मैंने टास्क रखा है, बिल्कुल भी मैंने मुश्किल कोई चीज नहीं रखी। अब आपको एक कीवर्ड जो आपने चूज किए हैं ऊपर, तीन जो कीवर्ड आपने टास्क नंबर थ्री के अंदर चूज किए थे, इनमें से आपने कोई सा भी एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है, और उस एक कीवर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसका कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेती हूँ, एवर यू एलोवेरा एंड क्यूकम्बर जेल, राइट, ये वाला मेरा कीवर्ड है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपना प्रोडक्ट खोलूंगी, सबसे पहले इसका टाइटल यहाँ से मैं कॉपी करूंगी, कॉपी कर कर टास्क नंबर थ्री के अंदर मैं पुट करूंगी। पुट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगी, पुट करने के बाद ये जो मेरा कीवर्ड था जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, इसे कॉपी करने के बाद मैं जो मेरा मेन टारगेट कीवर्ड था उससे चेंज कर दूंगी, राइट, इस तरीके से मैंने जो है इसको चेंज कर दिया। इस तरीके से आपने मुझे इस कीवर्ड को चेंज कर बताना है, और इस तरीके से, राइट, देखो अब मैंने इसकी जगह पे बाकी सब चीजें वैसी रहने दी और इस कीवर्ड को चेंज कर दिया। आपने इस तरीके से टाइटल में इस कीवर्ड को चेंज कर देना है। सेम प्रोडक्ट पे आओगे आप जो आपने ऊपर की तरफ सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड होगी अबाउट दिस आइटम के अंदर। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन में आपने जो कीवर्ड अभी सेलेक्ट किया है उसे आपने दो बार ऐड करना है। चाहिए काफी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है तो आप बस दो से तीन लाइंस की डिस्क्रिप्शन खुद से भी लिख सकते हो अपना कीवर्ड ऐड करके, वरना इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना टारगेट कीवर्ड आप ऐड करोगे, जिस तरीके से अभी हमने टाइटल में ऐड किया था। तो ये करने के बाद यहाँ पर आपका टास्क नंबर फोर का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहता है ऑल्सो टेल दीज प्रोडक्ट डिटेल्स, अब आपको प्रोडक्ट की ये डिटेल्स भी बतानी है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर, एसएन, रैंक सेलर रैंक, मॉडल नंबर और प्रोजेक्ट डायमेंशन शामिल है। ये पांचों चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, जो प्रोडक्ट आपने ओपन किया है इससे ही आप जो है स्क्रोल डाउन करो तो प्रोडक्ट डिटेल्स का एक कॉलम होगा। इसके अंदर देखो मैन्युफैक्चरर, एसएन, आइटम मॉडल नंबर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसके अलावा आपका बेस्ट सेलर रैंक मौजूद है और प्रोडक्ट की डायमेंशंस भी अवेलेबल हैं। तो आपको ये पांचों चीजें आसानी से यहाँ से मिल जाएंगी। आपने इनको भी कॉपी कर अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपका पांचवा टास्क भी चौथा टास्क भी कम्प्लीट हो जाएगा। आखिरी टास्क है आपके पास, विच प्रोडक्ट सेलिंग मेथड यू यूज FBM और FBA as a virtual assistant and why? Describe in three lines only. हमने FBA और FBM को जो है वो discussion out किया था, आपने बताना है कि अगर आप as a virtual assistant above product को जो आपने choose किया है, जिसमें आपने अभी पूरी exercise complete की है, उसको सेल आउट करते हो तो आप FBA की सर्विस दोगे या FBM की सर्विस दोगे और क्यों दोगे। आपने सिर्फ तीन लाइनों के अंदर इस बात को बताना है। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर इंग्लिश के अंदर मुझे इस चीज को डिफाइन करो कि आप FBA चूज करोगे या FBM। आप आसानी से जिस तरीके से उर्दू में लिखते हैं, रोमन उर्दू के अंदर लिखते हैं, आप उसमें भी मुझे लिख कर बता सकते हैं। मैं बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेना चाहती हूँ कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है और आपने क्यों इस मेथड को चूज किया है। ये सब चीजें परफॉर्म करने के बाद जिस तरीके से मैंने पहले बताया था, आपने अपनी एमएस वर्ड की फाइल को सेव करना है और सेव करके सर्टिफिकेशन कोर्सेस 94@gmail.com के ऊपर मुझे सेंड कर देना है। मुझे जिस जिस स्टूडेंट की फाइल इस ईमेल एड्रेस
तो मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट उसके मार्क्स के साथ मैं उसको अनाउंस आउट कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो प्रॉब्लम था बहुत सारे लोगों को कि हम किस तरीके से सर्टिफिकेट अवेल करेंगे वो क्लियर आउट हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको सीरीज कैसी लग रही है सीरीज के बारे में कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर आउट कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के बाकी लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज अभी हमारी कंटिन्यू चल रही है, इसके 4 से 5 लेक्चर्स अभी बाकी हैं जो कि मैं फर्दर और डिलीवर करूंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे इस प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाजत।